नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर ये सभी विस्तार में देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के आपके 54 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 55वां टेस्ट है। ये सभी टेस्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं वो सभी आपके सिविल सर्विस, फिर चाहे स्टेट पीसीएसओ, उनके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो 55वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली में विधानसभा का गठन 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संघ संसद संघ राज्य और संवर्ती तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। ये भी आपका सही है। दिल्ली की विधानसभा केवल राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। याद रखिए, जो आपका 69वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1991 में हुआ था, और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है इसे विशेष दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया था। यहाँ उपराज्यपाल को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। इसके द्वारा दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना भी की गई। पहले दिल्ली में एक महानगर परिषद और एक कार्यकारी परिषद होती थी। दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर और संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो याद रखना, लोक व्यवस्था और पुलिस और भूमि को छोड़कर। क्वेश्चन है हमारा अगला, दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूचित क्षेत्र संसद द्वारा घोषित किया जाता है, गलत है। अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करना अनिवार्य है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका केवल दो कथन सही है, एक कथन आपका गलत है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों नामित कुछ क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष प्रणाली का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। किसके? राष्ट्रपति के। एक राज्य के संबंध में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी का निर्माण, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित करना, पुर्तगाल से दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराना। तो इसमें सबसे पहले होगा पुर्तगाल से दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराना। ठीक है, फिर होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी का निर्माण, फिर होगा आपका हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, फिर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित करना। 3, 4, 1, 2, 3 इसमें सही होगा। पुर्तगालियों ने वर्ष 1954 तक दादरा और नागर हवेली की मुक्ति तक इस पर शासन किया। वर्ष 1961 तक लोगों द्वारा चुने गए प्रशासक द्वारा प्रशासन का संचालन किया गया। इसे 10वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादरा दादरा और नागर हवेली को
भारत के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया और भारत में पुदुचेरी की बात करें तो कराईकल, माहे और यमन के नाम से विदित पुदुचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण में था। फ्रांस ने वर्ष 1954 में इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया था। इसे वर्ष 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया था। तो 14वें संविधानिक संशोधन द्वारा 1962 के द्वारा इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1971 में केंद्र शासित प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और आपका जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा है, ये आपका 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला परिषद में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, गलत है बिल्कुल। जिला परिषद को विवादों के निपटारे के लिए ग्राम न्यायालयों के गठन का अधिकार है, सही है। राष्ट्रपति के पास जिला परिषद को भंग करने की शक्ति भी है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका केवल 2 कथन सही है, 1 और 3 गलत है। तो 1, 3 गलत है, तो इसमें सही क्या हुआ? तो सुनिए, प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। इसमें से 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं आपके सदस्य। ठीक है, राज्यपाल स्वशासी जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर जांच और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त करता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या क्षेत्रीय परिषदों को भंग कर सकता है, लेकिन याद रखना आयोग की सिफारिश के बाद ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 में केवल आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 5, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है। मध्यवर्ती जिला स्तर के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनती है, सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका केवल 2 कथन सही है, बाकी आपका 1 और 3 गलत है। ग्राम सभा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में गांव के स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता की एक ग्राम स्तरीय सभा होती है या ग्रामीण स्तर पर राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करती है। सीटों के आरक्षण की बात करें हम लोग, तो यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, पंचायत में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उनकी संख्या की कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण करता है। ठीक है, यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करे। क्वेश्चन नंबर 5 में केवल आपका बी ऑप्शन सही था, केवल 2। क्वेश्चन है हमारा 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राजा चेलिया समिति,
गलत है। ML सिंह भी समती, ये भी आपकी सही है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपकी समितियां हैं 1, 2, 4। तो याद रखिए 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। इस योजना की मुख्य सिफारिशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना, उत्तरी स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करना शामिल है। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में भारत में पतनोमुख पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए किया गया था। और जो आपकी जीबी गिराव ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में आपकी जीबी गिराव समिति का गठन किया गया था। और 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करते हुए LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ठीक है। और जो आपकी राजा चेलिया समिति है, यह आपकी कराधान से संबंधित है, कर व्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के घटक हैं? परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर, चारों आपके शामिल हैं। तो इसमें आपका 7 में डी होगा। क्वेश्चन है 8वां। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। सही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की अभी समय की पुष्टि की है। सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 और 2 कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। भारत ने 1 मार्च 1947 को इस अभी समय की पुष्टि की थी। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1944 में, ठीक, शिकागो कन्वेंशन के दौरान। भारत सहित इसके 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसके मेंबर कितने? 193। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 1 और 2 सही है। क्वेश्चन है 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। बिल्कुल सही है। भारत स्वतंत्रता पश्चात यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ। गलत है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान प्रदान को विनियमित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की दरें तय करता है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत 1876 में आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था। और ये स्थापना इसकी कब हुई थी? 1874 में। ठीक है, भारत 1876 में शामिल हुआ था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही था।
क्वेश्चन है हमारा 10। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एफ ए टी एफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह G20 देशों की एक पहल थी, गलत है। यह जनसंघायक हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण तथा आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने हेतु उपाय विकसित करता है, सही है। इसके द्वारा जारी ग्रे सूची में ऐसे देश शामिल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अवरुद्ध है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में केवल आपका दूसरा कथन सही है, 1 और 3 गलत है। जो आपका वित्तीय कार्यवाही कार्यबल है FATF वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। और ये आपका FATF दो सूचियां जारी करता है, जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ये आपकी दो तरह की सूची जारी करता है, एक आपकी ग्रे लिस्ट और दूसरी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो देश आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और जो ब्लैक लिस्ट है जो देश गैर सहयोगी देश या क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 11। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, सही है। भारत OIC के पर्यवेक्षक देशों में से एक है, गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है। इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो 25 सितंबर 1969 को मोरक्को में हुआ था। कहाँ? मोरक्को में। इसमें आपके 57 देश तथा संयुक्त राष्ट्र सहित 12 पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है। भारत IOC का सदस्य या पर्यवेक्षक सदस्य कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है हमारे 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में सेंदाई पेम्बर्ग के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, सही है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य का मुख्यालय जेनेवा में है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके तीनों कथन सही है। क्या है तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 13। समाचारों में रहे TIR कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली से। 13 में आपका सी होगा। TIR कार्निट्स के अधीन माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क कन्वेंशन 1975 के यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली है, जो कन्वेंशन में शामिल पक्षकारों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में इस कन्वेंशन में 70 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें यूरोपीय संघ भी आपका शामिल है।
15 जून 2017 को भारत 71वें सदस्य के रूप में TIR कन्वेंशन में शामिल हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 14। अक्सर समाचारों में दिखने वाला नॉर्मेंडी फॉर्मेट शब्द किससे संबंधित है? ये आपका राजनयिक समूह से संबंधित है, समूह से। क्वेश्चन है हमारा 15। समाचारों में रहे क्रोनोस और हॉपलाइट शब्दों का संबंध किससे है? ट्रोजन्स प्रोग्राम से। डी ऑप्शन सही है। क्रोनोस पहली बार 2014 में एक रूसी अंडरग्राउंड फॉर्म का पर ऑनलाइन दिखाई दिए थे। क्वेश्चन है हमारा 16। धोलावीरा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता की विकसित चरण से है। से था, सही है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह एक ग्रामीण स्थल था। गलत है। यह कक्ष के रण में अवस्थित है। सही है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। धौलावीरा का उत्खनन स्थल हड़प्पाई लोगों के समानुपातिक नगर नियोजन की उच्च संगठित प्रणाली, कार्यात्मक क्षेत्र का अंतर संबंध, सड़क पैटर्न और एक कुशल जल संरक्षण प्रणाली विकसित करने के कौशल को दर्शाता है, जिसमें वे 1200 से अधिक वर्षों तक इस कठोर गर्म शुष्क जलवायु में अपनी उत्तर जीविता बनाए रख सके। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सी ऑप्शन सही था, 1 और 3। क्वेश्चन है हमारा 17। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति देना। स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र के उपकरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 18। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, सही है। राजनीतिक जवाबदेही, गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सही है। वित्तीय संग्रहण, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। पंचायती राज प्रणाली का सबसे मूल उद्देश्य विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वित्तीय संग्रहण पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है, हालांकि इसमें स्थानीय सरकार को वित्त और संसाधन हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज की स्थापना से स्वतः राजनीतिक जवाबदेही नहीं आती है आपकी। ठीक है, तो इसमें आपका 1 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 19। सरकार द्वारा लागू अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, सही है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये नहीं है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये भी आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 20। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो कितनी अवधि में वापस चुनाव होंगे? तो यह आपका 6 मंथ, 6 माह, कितना? 6 माह में। ठीक है,
तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखते रहेंगे, ठीक है।